चलो 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 यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं पत्थरबाजी की जा रही है यहाँ पर साफ तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है आप देख सकते हैं तस्वीरें आप ये देख सकते हैं इस तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है और लोग यहाँ पर भागते हुए दिख रहे हैं ये आप देख सकते हैं पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है लगातार झड़प है यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से हाथापाई की जा रही है ये विजुअल सिस्टम है यहाँ पर आप जो है इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा देख सकते हैं आप यहाँ पर इन्हें हिरासत में लिया गया है पुलिस यहाँ पर ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इनको जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इस समय माहौल क्या बना हुआ है यहाँ से मोदी तक भी जाना है क्योंकि सारे कब्जे से मोदी तक जाने ही तैयार देखो सारा कोई निक्का कुंभा नहीं है एक अंधा बंदा नहीं है अस माल का माल की आले हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे तो मोदी तक भी जाना है देखिए सर बात ऐसे है अगर ये हाउसिंग की जमीन है तो निशानदेही हो मालकों की जमीन भी दिखाई जाए हाउसिंग की भी दिखाई जाए सर सही बात है गलत है ठीक है सर ऐसे हालात मत खराब करें उधर ले जाओ सर गाड़ी हो रही है खराब की है हमने नहीं मारे हैं गाड़ियां तोड़ी हैं हमने मैं सर अभी पहुंचा हूं मैं जम्मू से अभी निकला हूं आप बाद में आओ ना नहीं आप नहीं थे ना मौके पे नहीं सर नहीं पता ना रियलिटी क्या सर चलो तो सर पता ना चलो क्या तो सर निशानदेही करें ना हम मालकों की जमीन दिखाएं ना फट रहा है कुछ हो रहा है आप थे यहां पे तो सर हमारे भी फाड़ दे वीडियो दिखा रहा हूं नहीं सर एक मिनट मेरी सर नहीं सर धक्का मत मारिए कोई नहीं सर आप मेरी बात सुनिए देखिए अगर जमीन हाउसिंग की है तो निशानदेही करें हाउसिंग की हाउसिंग वालों को दे और जो मालिकों की है वो मालिकों को जमीन दे सही बात है सर गलत बात है तो सर आप ऐसे क्यों आप निशान देख रहे हो ना के आप चुप रहिए सर आप चुप रहिए आप चुप रहिए सर निशान दे करवाए नहीं सर घंटे जिप्सी बंद करके रखे नहीं दसन दिता उसी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं साढ़े आप उधर लगाओ गाड़ी साइड जैसे मुझे उठा कर मैंने कोई कचल किया निशानदेही करवाई जाए जो जमीन मालकों की है वो मालकों को दी जाए जो हाउसिंग की है वो हाउसिंग को दी जाए सर ये तानाशाही चलेगी सर ये सर गुंडागर्दी है आप खुद इनको क्या जरूरत है विद फोर्स आने की आप बताएं हम जो इधर के मालिक हैं वो खुद बोल रहे हैं कि जो जमीन है अगर हाउसिंग की हाउसिंग को दो हमारी वाली हमें दिखा दो अगर ये हाउसिंग की है तो इसके साथ कहीं हमारी भी होगी हम लोगों की होगी ना आप बोलते हैं पथराव किया सर मेरे को देखिए धक्का मुक्का कर रहे थे हमारे जैसे लोगों पे अगर धक्के मुक्के हो रहे हैं तो कोई होगा अनपढ़ बेचारा बीच में धक्का मुक्की हो किसी ने पत्थर उठा लिया मेरे कोई और तो शायद वो भी पत्थर उठा लेता जितने लोग थे सारे गए लेडीज आई सब अंदर गए वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों पे अफसरों पे पत्थरबाजी की बारी पर उधर गाड़ियाँ तोड़ी उनकी सारी ये मामला यहाँ पे हुआ तब पुलिस ने उनको हिरासत में लिया पुलिस ने लिया मगर ये बात सुनो ऐसा माहौल बना क्यों ऐसे हालात बने क्यों पत्थरबाजी क्यों करो इधर इतनी बड़ी ये बनी ये अपनी आपकी इंडस्ट्री एरिया है साथ में देखिए कैमरा दो मिनट घुमाइए इधर किसी ने पत्थरबाजी नहीं की इधर क्यों नहीं की क्योंकि सबको पता है ये इंडस्ट्री एरिया है हमारे ही बुजुर्गों ने ज़मीनें छोड़ी हुई हैं अगर इधर हाउसिंग की है हाउसिंग वाले भी ले लें कोई इतराज नहीं है हमें हाउसिंग वाले पर जो इधर के मालिक हैं वो लोग कब से तड़फ रहे हैं कोर्ट में केस कर रहे हैं कितने सालों से ये केस चल रहा है इसी ज़मीन का अगर ये हाउसिंग की है निशानदेही करें हाउसिंग वाली हाउसिंग को दिखा दें मालिकों वाली मालिकों को दिखा दें नोटिस वगैरह आया कोई किस कोर्ट में केस है कोर्ट सर मैं अभी वकील से बात करता हूँ नोटिस वगैरह आपको मिला इससे पहले बिल्कुल सर है एक बार हमारे ही लोगों ने इधर जमीन पे शटे बनाए हुए थे बाद में शायद हाउसिंग वालों ने आके या पुलिस ने आके तोड़वाए थे तब भी FIR लगवानी थी शायद नहीं लगवाई थी पानी चाहिए यार पीने पानी हो जी तो ये पूरा मामला यहाँ पर जो है आज सुबह से बना हुआ है बारी पुलिस यहाँ पर आई उसके बाद पथराव किया गया लोगों को हिरासत में लिया गया फिलहाल रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है अपनी तरफ से यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है
मामला क्या है, क्या आगे क्या रूप लेता है वो जांच का विषय है, देखने वाली बात है। क्या कुछ रेवेन्यू ऑफिशियल्स की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जाती है? फिलहाल आपको बता दें, ग्रामीण में जो हाउसिंग कॉलोनी बनाई जा रही है वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, और उसके बाद वो जो है वहाँ पर ज़मीन लोग भी ऑफिशियल्स भी आते हैं, लोग भी आते हैं, तो ये सारा मामला यहाँ पर बनाया। देखते रहे न्यूज़ पोस्ट 86, राहुल कपूर कैमरा मैन शर्मा के साथ, जय हिंद, धन्यवाद। ये हमारी अपनी ज़मीन है, हमारा मतलब जहाँ पे हमारी मालकी है, हमारे गांव की, हमारे सबके मालकी, जो जितने मालिक हैं हमारे, इन सब की ज़मीन है, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और हाउसिंग कॉलोनी वाले जबरदस्ती घुस के कब्जा कर रहे हैं, जिनके पास ना कोई रिकॉर्ड है, ना रेवेन्यू रिकॉर्ड है, ना ही कोई किसी चीज़ का ऑर्डर है। हमारे ऑर्डर जो हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट पर ना कोई देख रहा है इनको, ADC सर जहाँ पे मौके पर आए थे उन्होंने भी हमारे डॉक्यूमेंट नहीं देखे, हमने उनको ऑर्डर दिखाए, ना उन्होंने देख के पकड़ के आगे चले गए, भाग गए, वो भी ना जहाँ पे मौके पर खड़े, ना हमारी सुनवाई की उन्होंने। जहाँ पे फिर ACR साहब आए, उन्होंने बातचीत की और निकल पड़े, उन्हें बोला हम उनके पास ऑर्डर है, मैं हमें बताओ ऑर्डर कहाँ पे है, ना ऑर्डर दिखाया। हमने बोला भाई हमारी जो अपनी लैंड है 244 कनाल जो हमारी, वो हमें दिखा दो, हमारी कहाँ पे है, आप कब्जा करो, हम थोड़ा मना कर रहे हैं, आप अगर आपकी अपनी बनती है तो आप कब्जा करो, हमारी दिखा दो, हमारी कहाँ है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कहाँ है, वो क्या मिट्टी बने होते ना बने हुए हैं, वो तो इन्होंने बनाए हुए ना, रेवेन्यू ने रेडी किए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट, हमारी जो लैंड बनती है वो हमें दिखा दें, बाकी वाली जो इनकी लैंड है वो करें कब्जा। जे मतलब पूरा एरिया जो हमारा देवस्थान है, सारा एरिया जहाँ पे हमारे बुजुर्गों के देवस्थान है, हम काफ़ी टाइम से हमारा बोर्ड लगा था, उन्होंने बोर्ड भी तोड़ दिया है, ये पहले का, पिछली बार 2-3 बार कब्जा करने आए, हमने इनको मतलब कब्जा नहीं करने दिया, इस बार विद्युत फोर्स लेके आए हैं, विद्युत फोर्स वालों को ना ही इनके पास कोई ऑर्डर है, ना हमें कोई दिखा रहे हैं, ना ही कोई इसकी कोई डॉक्यूमेंटली कार्रवाई कर रहे हैं, बरबड़ी बात कर रहे हैं, बरबड़ी कब्जा कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। 1995 में हाउसिंग बोर्ड को 116.4 कनाल लैंड यहाँ पे अलॉट हुई, यही लैंड, तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये वाली पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन 65 कनाल के करीब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दे दिया, जिसमें इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनाया। अब ये जो लैंड है इस पे हाउसिंग बोर्ड ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो लोगों से लिया कि कौन खरीदना चाहता है प्लॉट, तो 39 प्लॉट्स अलॉट किए गए, उन्होंने पूरी पेमेंट वाले को की, उन 39 प्लॉट होल्डर्स को जो भी पोजिशन देने की बारी आती थी, तो यहाँ के कुछ लोग एजुकेट करते थे, वो एक दो फैमिलीज हैं, वो शामला दे है 266 कनाल, वो शामला दे की निशानदही करो, मसला उनका था कि किसी तरह से उस लैंड को ग्रैब किया जाए, क्योंकि ये प्राइम लैंड है, रोड पे है, कब्जा हाउसिंग बोर्ड के पास था। हमने इनका वो पूरा लीगल रिकॉर्ड भी देखा, ये हाईकोर्ट में गए थे, हाईकोर्ट ने कहा डिमार्केशन करो, डिप्टी कमिश्नर रियासी ने डिमार्केशन की और बताया कि हाउसिंग बोर्ड के पास इतनी लैंड 116.4 कनाल थी, उसमें से 65 कनाल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ले गया है, बाकी हाउसिंग बोर्ड के पास है। अलबत्ता उन्होंने कहा शामला दे है 266 कनाल, वो शायद ऊपर वाली साइड हो कहीं पर, और रूल के हिसाब से शामला दे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट चाहे शामला दे को भी एक्वायर कर लेगी और उसका जो कंपनसेशन होगा वो पंचायत को दिया जाएगा, वो किसी के घर नहीं जाएगा। अभी आपने देखा कि हम जो 39 अलॉटीज थे जिनने पेमेंट की हुई है गवर्नमेंट को, उनको प्लॉट दे रहे थे, यहाँ पे वही वो गुंडागर्दी हो गई, वो कुछ कर्नेल सिंह, रघुवीर सिंह, उसकी फैमिलीज आई, चारों तरफ से पत्थर फेंके, मेरी गाड़ी तोड़ दी, JCB तोड़ दी, हमारे कुछ एम्प्लॉज जख्मी हो गए, उनका तो ये था कि हम मार ही डालेंगे दो चार को, तो बस, हालांकि मिलना तो कुछ नहीं है, उनका कोई हक नहीं है, बट गुंडागर्दी करने की बात है। तो खैर, पुलिस अब उनको अरेस्ट करके ले गई है, हम वो पूरा पुलिस को देंगे, और आप ही ने जो मीडिया कवरेज अभी तक की है वही नारे लगा रहे थे सब, पुलिस के पास वो सारा डाटा है, तो लेकिन जो लीगली एंटाइटल्ड हैं यहाँ पे अलॉटीज, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं ऑन स्पॉट, वी आर गोइंग टू गिव देम पोजेशन, और उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी यहाँ पे, वी विल बी टेकिंग मैटर विद रियासी पुलिस, वो अपना मकान यहाँ पे बनाएंगे, बाकी ये किसी के घर की ज़मीन नहीं है, स्टेट की लैंड है जो प्रॉपरली अलॉट हुई है हाउसिंग बोर्ड को, और इसमें शामला देह जो 5000 कनाल में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देख लो वो कहाँ पे है, जिस जगह है वो शामला देह, फिर भी किसी की मिल्कियत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जिसने ये पत्थर चलाए हैं उसका दिमाग कितना तेज है कि शामला देह है और वो पत्थर चला रहा है, मतलब जब आपकी है ही नहीं, वो शामला देह है, वो भी तकरीबन गवर्नमेंट की है, पंचायत की है, तो पंचायत को कोई इशू नहीं है, वो क्या एजिटेट कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो चाहते क्या। सर तो फॉलो किया है मैंने, पूरा देखा,
आई टुक द मैटर विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी रियासी, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, SSP रियासी ने, दे प्रोवाइडेड फुल सिक्योरिटी और हमने ये एक्शन लिया। अब पीछे क्या हुआ, क्यों डिले हुआ, देयर वर सम लिटिगेशन गोइंग ऑन, कभी ये DCP कोर्ट में होते थे, कभी ये छोटे कोर्ट में जाते थे, फिक्टिशियस लिटिगेशन डाल दिया, कभी आपस में लिटिगेशन डाल दी, उस सारे का हमने एनालिसिस किया। जब देखा इनका कुछ नहीं है तो शामला देहलैंड है, 5000 कनाल में जहाँ पे होगी डिमार्केट होगी, वो भी किसी को मिलने वाली नहीं है, वो भी पंचायत की लैंड है। तो हमने अपना एक्शन लिया है। नाउ दे ट्राई टू सबोटाज, वो चाहते थे किसी को मारें, पत्थर मार के गाड़ियाँ तोड़ें वगैरह वगैरह, उसमें कानून जो है वो पूरा पुलिस देखेंगे। सर आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, बिकॉज इससे लॉ अबाइडिंग स्टेट ये थोड़ी है कि कोई गुंडागर्दी करेगा तो कोई मकान नहीं कोई बना जाए, गुंडागर्दी से तो डरने वाला तो कोई नहीं है, अगर वो हो तो फिर तो यहाँ हर किसी के घर में जाके पत्थर मार दो भगा दो, वैसा कुछ नहीं है, पूरी सिक्योरिटी है। और जो अभी फंसे हैं तो आपको क्या लगता है छूटने वाले हैं? दे विल बी चार्ज फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, दे विल बी चार्ज फॉर सबोटेज, दे विल बी चार्ज फॉर हैम्परिंग दिस गवर्नमेंट बिजनेस, और ये बड़े खतरनाक ऑफेंसेस जो है इन्होंने कमिट किए हैं, चाहे वो लेडीज हैं जेंट्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी, आई एम फुली श्योर कि दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि ऑल सीनियर ऑफिसर्स आर अवेलेबल।